कोरी कोरी बात करूं तो वहां पर स्मारक बनाने के लिए जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। तो अब वो स्थान अगर उपलब्ध होता है तो हम बहुत जल्द जो है वो स्मारक वहां पर बनाएंगे। स्मारक तो बनाएंगे, जो जहां पर जगह है उस जगह लिंक रोडें बनाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सामने आए हमारे कि रात को वहां पर तारकोल डाली जाती है और सुबह उखड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो ये आपका और मेरा दोनों का काम है कि हम उस कार्य को लोगों के सामने लाएं, और अगर कहीं ऐसा है तो उस शिकायत को कंसर्निंग ऑफिसरों तक पहुंचाएं, और आप हमारे तक भी पहुंचा सकते हैं। DDC साहब हमारे जहां बैठे हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसका खमियाजा उनको भुगतना होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। जहां पर पहुंचे बहुत बार श्रद्धांजलि देने 1953 के शहीदों को पहुंचे, लेकिन आज तक उनका मसला हल नहीं हुआ। ऐसा देखिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपका यही कहना है कि भाई आज तक वो स्मारक क्यों नहीं बने? बहुत बार जहां पर, हाँ बिल्कुल, हम बार बार आते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे काम करते हैं। और अब ये है कि भाई वहां पर कुछ बाधाएं थी, इसलिए वो स्मारक का कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाया था। उसके लिए हमने जो पैसे का प्रावधान भी रखा था, लेकिन अब हमारे DDC राजेंद्र जी हैं, हमारे जहाँ के मंडल प्रधान हैं, हमारे जहाँ के बाकी पंच सरपंच हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ की कमेटी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो बाधाएं उस स्मारक में आ रही थी, अब उन बाधाओं को हम दूर करेंगे। जैसे ही वो बाधाएं दूर होती हैं, मतलब अगर मैं कोरी कोरी बात करूं तो वहां पर स्मारक बनाने के लिए जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। तो अब वो स्थान अगर उपलब्ध होता है तो हम बहुत जल्द जो है वो स्मारक वहां पर बनाएंगे। स्मारक तो बनाएंगे, जो जहां पर जगह है उस जगह की, आपने जहां पर हवन किया जाता है उसकी भी हालत आपने देखी होगी। क्या जब अगले साल आप फिर से श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे उसी स्थिति? हम प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष तक जहां पर स्मारक जो है उसका काम जो है वो शुरू हो जाए। मैं एक पत्रकार के नाते आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि जहां के जो लोकल लोग हैं उनमें भी थोड़ी सी जागृति लाएं और उनको ये कहें, और वो कह रहे हैं, वैसे अब उन्होंने मन बना ही लिया है कि वो स्थान दे रहे हैं, अगर स्थान मिल जाता है तो बहुत जल्द उस स्मारक का जो है वो कार्य प्रारंभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपके ही जो नेता हैं उनके द्वारा कहा थे अखनूर से पूंछ तक हम 4 लेन बना रहे हैं, लेकिन आप जो स्पष्ट कीजिए क्या ये नेशनल हाईवे है या 4 लाइन है? ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे जम्मू से लेकर पुंछ तक जा रहा है मेरे भाई, आप निश्चिंत रहो। लेकिन फिर 4 लाइन का क्यों कहा जाता कि हमने लोगों को 4 लाइन दिया है? भाई 4 लेन हो, 2 लेन हो, ये नेशनल हाईवे पहले नेशनल हाईवे नहीं था, अब ये नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे में 3 लेन होती है, 2 लेन होती है, 4 लेन होती है, लेकिन मापदंडों के अनुसार, क्षमता के अनुसार इस रोड का जो है वो विस्तार किया जा रहा है। आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि इसको नेशनल हाईवे में आकर इसका जोरों शोरों से जो है वो काम लगेगा, और लगा हुआ है, टनल बन रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं और ब्रिजों का काम लगा हुआ है। निश्चिंत रहें, जितनी क्षमता है, मापदंड रहते हैं, कितनी गाड़ियां 1 घंटे में यहां से गुजरती हैं, कितना लोड है इस पर, ट्रैफिक कितनी है, उस सारे को मद्देनजर रखते हुए आने वाले 30 सालों को नजर रखते हुए ये रोड बनाया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन जो लिंक रोडें बनाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सामने आए हमारे कि रात को वहां पर तारकोल डाली जाती है और सुबह उखड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा कहीं मिलेगा तो ये आपका और मेरा दोनों का काम है कि हम उस कार्य को लोगों के सामने लाएं, और अगर कहीं ऐसा है तो उस शिकायत को कंसर्निंग ऑफिसरों तक पहुंचाएं, और आप हमारे तक भी पहुंचा सकते हैं। DDC साहब हमारे जहां बैठे हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसका खमियाजा उनको भुगतना होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शुगल किशोर शर्मा जी, जो सुंदरवनी के अंदर पहुंचे, शहीदी स्मारक जो 1953 के शहीद हैं सुंदरवनी के अंदर। आपको बता दें कि हर बार यहां पर पहुंचते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उनका जो इंसाफ है, उनका जो उनका हक है, आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन देखना होगा कि क्या 2023 में भी उसकी स्थिति वैसे ही रहती है या फिर उस पर कोई काम किया जाता है। अगर बात करें आश्वासन की, तो आश्वासन हम 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं, 3-4 साल से ये आश्वासन मिल रहा है कि इसको हम शहीदी स्मारक बनाएंगे, लेकिन आज तक वो जमीनी स्तर पर नहीं बना है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस पर काम होता है या नहीं होता है। नेशनल हाईवे की बात करें कि जब 4 लाइन की बात की जाती है, लेकिन इस हाईवे को नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है
और जिस तरीके से रोडों के ऊपर काम किए जाते हैं उन पर भी उन्होंने एक निर्देश दिया कि अगर ऐसा होता तो हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।